डियर व्यूअर्स, बिग बैंग के तकरीबन 3,80,000 साल के बाद हमारी जब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का साइज मिल्की वे के साइज को जा पहुंचा तो उसने पहले एटम्स को जन्म दिया और ये शुरुआत थी मैटर की तखलीक की। डियर व्यूअर्स, ये याद रहे कि बिग बैंग के नतीजे में बनने वाली यूनिवर्स धमाके की वजह से हर तरफ मुसलसल फैल रही थी। कहा यह जाता है कि उस वक्त यूनिवर्स की एक्सपेंशन की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा थी, हत्ता के आज भी हमारी यूनिवर्स मुसलसल एक्सपेंड कर रही है। व्यूअर्स, इसी एक्सपेंशन के नतीजे में हमारी यूनिवर्स इतनी ठंडी हो चुकी थी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को पहली बार पहला बॉन्ड बनाने का मौका मिलता है और वो बॉन्ड बनाकर पहले एटॉमिक न्यूक्लियाई को जन्म देते हैं और यही एटॉमिक न्यूक्लियाई पहली बार एलिमेंट यानी मादे को तश्कील देगा। लेकिन ये अभी मुकम्मल तौर पर एटम्स की शक्ल में मौजूद ना थे, इनमें एक बहुत ही अहम जुज़ की कमी थी और वो अहम जुज़ था इलेक्ट्रॉन। हमारी इस बेबी यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स तो बेशुमार थे, लेकिन हमारी इस यूनिवर्स में हीट और एनर्जी इतने जोश में थी कि इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेज़ी से हरकत करते कि उनको बॉन्ड बनाने का मौका ही ना मिलता और हमारी यूनिवर्स तकरीबन 3,00,000 साल तक इसी कश्मकश में रही। फिर बिग बैंग के तकरीबन 3,80,000 साल के बाद जब हमारी यूनिवर्स का साइज़ मिल्की वे के साइज़ को जा पहुँचा तो उसकी औसत हरारत यानी एवरेज टेम्परेचर अरबों डिग्री फॉरेनहाइट से ठंडा होकर चंद हज़ार डिग्री फॉरेनहाइट तक जा पहुंचा। अब हमारी यूनिवर्स एलिमेंट्स को बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। ये एलिमेंट्स सारी कायनात हत्ता के हमारे भी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे। देखते ही देखते पीरियोडिक टेबल में मौजूद पहले एलिमेंट हाइड्रोजन का जन्म होता है। व्यूअर्स, हाइड्रोजन और हीलियम ही वो पहले एटम्स हैं जिनको हमारी कायनात सबसे पहले तख्लीक करती है और इन बेसिक एलिमेंट्स की तख्लीक के बाद हमारी कायनात इन सितारों को जन्म देती है। देखते ही देखते इस नए मैटर से बने हजारों सितारे और कहकशाएं हमारे पूरे आसमान पे जगमगाने लगते हैं, गोया एक बेजान सी कायनात में जान आ गई हो। लेकिन अभी हमारी ये यूनिवर्स इंसान और ज़मीन की तख्लीक के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, क्योंकि इंसान और ज़मीन की तख्लीक के लिए हाइड्रोजन और हीलियम जैसे बेसिक एलिमेंट्स से बढ़कर हैवियर एलिमेंट्स की ज़रूरत थी। इस काम की तकमील के लिए हमारी यूनिवर्स इन हैवियर एलिमेंट्स को एक ख़ास किस्म की फैक्ट्रीज़ में तैयार करेगी। वो फैक्ट्रियाँ क्या हैं और वो फैक्ट्रियां कैसे लाइटर एलिमेंट्स को हैवियर एलिमेंट्स में तब्दील करेंगी, वही हैवियर एलिमेंट्स जो आखिरकार इंसान और ज़मीन की तख्लीक का बायस बनेगी। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी अगली वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा।